करबला कमेटी के तत्वाधान में रविवार को करबला मैदान में इस्तेमाई निकाह का आयोजन किया गया, जहां चार जोड़ों का निकाह करवाया गया। करबला कमेटी एक सामाजिक संस्था है। इस कमेटी द्वारा नित नए प्रयास सामाजिक स्तर पर किए जाते रहे हैं। कोविड काल हो या अन्य गतिविधियां, हर जगह करबला कमेटी अपनी भूमिका निभाता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में करबला कमेटी की जानिब से इज्तिमाई निकाह का एक दिवसीय आयोजन करबला मैदान में किया गया। यह वरिष्ठ कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र यादव, पूर्व सीएसपी राकेश जोशी, पूर्व सीएसपी अजीत यादव व साथ ही करबला कमेटी के संरक्षक सरपरस्त वीरेंद्र सतपति विशेष रूप से शामिल रहे। विधिवत निकाह के पश्चात जोड़ों को दुनियावी जरूरी सामान भी नया जीवन शुरू करने के लिए दिए गए। आयोजित इज्तिमाई निकाह को लेकर कमेटी के सरपरस्त वीरेंद्र सतपति ने जानकारी दी। मैं वीरेंद्र सतपति, करबला समिति भिलाई का सरपरस्त हूँ। करबला समिति द्वारा छत्तीसगढ़ गठन के बाद से लगातार 22वां वर्ष है जो यहाँ पर इज्तिमाई या निकाह का आयोजन किया गया। चार जोड़ों का इसमें निकाह हुआ, एक चिचोला, एक मध्य प्रदेश धार और दो भिलाई के इसमें जोड़े थे। जोड़ों को विवाह के निकाह के बाद उपहार स्वरूप जो भी सामान दिया जाता है, एक घरेलू ज़िंदगी में जो भी सामान उपयोगी रहता है, वो सब उनको प्रदाय किया गया। कुल इसमें 1,11,000 रुपया खर्चा आया, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। और मैं और भी संगठनों से और भी समाज से निवेदन करना चाहूँगा कि वो भी इस तरह के सामूहिक विवाह पर ज़रा जोर दें, जिससे मध्यम वर्गीय या कमज़ोर वर्ग के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। इसका सबको पालन करना चाहिए। कल के निकाह में हुसैनी मस्जिद के इमाम जनाब तारिक अनवर द्वारा उनको दुआ दी गई। मेहमान के रूप में जिला कांग्रेस कमेटी के मुकेश चंद्राकर, पार्षद संदीप निरंकारी, धर्मेंद्र यादव जी, ये सब उपस्थित थे। करबला समिति भिलाई के 3 पुलिस अधिकारी जनाब अजीत यादव जो पूर्व में सीएसपी रहे हैं, जनाब राकेश जोशी ये भी सीएसपी रहे हैं एवं जनाब अब्दुल एएसआई, इनको उनके कार्य को देखते हुए समिति के तरफ से इनको सम्मानित किया गया। साथ ही भिलाई में अनेक उच्च स्तरीय काम करके लोगों को राहत पहुंचाने वाले कई संगठनों को यहां पर हम सम्मानित किए। जैसा आप सबको मालूम होगा, करबला समिति भिलाई लॉकडाउन के समय, प्रथम और द्वितीय लॉकडाउन के समय बहुत सेवा की है लोगों की। निरंतर पका पकाए खाना देना, बाद में फिर राशन का पैकेट सबको उपलब्ध कराना, घर घर जाकर गरीब बस्ती में, श्रमिक बस्ती में बहुत सेवा उनकी मदद की गई है। पूरी भिलाई की जनता करबला समिति की बहुत तारीफ की इनके काम को देखते हुए। तो मैं अंत में फिर एक बार गुजारिश करना चाहूँगा विभिन्न समाज के लोगों से कि आप भी इस तरह का सामूहिक विवाह पर जरा जोर दें, जिससे कि लोगों को एक राहत मिल सके। धन्यवाद। करबला कमेटी द्वारा जोड़ों के इज्तिमाई निकाह के बाद भोजन भी यहां पर शामिल लोगों को कराया गया। इस दौरान शामिल लोगों ने नए जोड़ों को अपनी अपनी दुआएं नई जिंदगी शुरू करने के लिए दी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।